अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओरिएंट डीसी इन्वर्टर क्या, अगर गैस निकल जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको वैक्यूम कैसे करते हैं। मतलब सिर्फ ओरिएंट नहीं, कोई भी मॉडल हो, किसी किस्म का भी एसी, तो उसको वैक्यूम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने डिस्चार्ज जो है वो पाइप, उसको खोल लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको खोल के रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये खोल के फिर एसी आप देख सकते हैं यहाँ पे बंद है। तो एसी जो है इसको आपने ऑन करवा लेना है। तो ऑन करवा के गेज इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। और वाल जो हैं इसके जो हैं वो दोनों, अगर कोई वाल बंद हो तो उसको खोल देना, ताकि वैक्यूम जो है वो हो सके प्रॉपर। इसका वैक्यूम का तरीकाकार जो है वो ये है कि इसका डिस्चार्ज वाला पाइप जो है आपने खोल लेना है। तो वाल खुले होने चाहिए, गेज आप साथ लगा लें, सिलेंडर लगा लें, ताकि आपकी गेज भी और सिलेंडर भी जो है वो भी वैक्यूम हो जाए। तो दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एसी ऑन तब तक हो जाए। जब ऑन होता है उसके बाद फिर आगे वीडियो जो है वो बनाते हैं। तो दोस्तों, ये गेज जो है मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ ऑन हो गया इसके साथ। तो एसी हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। दोस्तों, वाजिया यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा पाऊँ गेज, तो ये गेज कनेक्ट हो चुकी है। अच्छा, तो दोस्तों, आपने अब करना क्या है कि इसका जो हमने पाइप खोला हुआ है डिस्चार्ज वाला, तो इसके आगे जो है ना वो हाथ रख लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, एसी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, अब इसके आगे हाथ रख लेते हैं, पाइप के आगे, वॉल के आगे हाथ नहीं रखना, क्योंकि वहाँ से जितना भी है अंदर प्रेशर है, हवा है, उसे आपने निकलने देना है। तो दोस्तों, ये गेज आप देख सकते हैं, ये ज़ीरो भी यह भी है। तो ये गेज का जो है ना, ये इसका भी वाल खुला होना चाहिए। तो दोस्तों, खुली हुई सिलेंडर साथ, तो इसके साथ इसका सिलेंडर भी लगाना पड़ेगा। तब जाके ये वैक्यूम प्रॉपर तौर पे हो पाएगा। गेज बंद करो, गेज बंद करो, गेज बंद करो। अच्छा, रहना तो बंद ना कर, वैसे ही सिलेंडर के साथ जी। तो दोस्तों, ये देखें, सिलेंडर कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी देखें, मैंने इधर हाथ रखा हुआ पाइप के आगे और
वैक्यूम हो रहा है। गेज अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे वाजह तौर पे, तो वैक्यूम होना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं वैक्यूम हो गया है हमारा एसी। तो जैसे ही वैक्यूम हो जाए एसी को आपने बंद करवा देना है। एसी बंद करके तो फिर गैस इस पे डालनी है, वो भी ज़ीरो तक, -30 से ज़ीरो तक जो है आपने गैस डालनी है। मतलब ज़ीरो से एक दो पॉइंट अप हो जाए कोई मसला नहीं, नीचे एक दो पॉइंट नहीं होने चाहिए। एसी रिमोट तो ऑफ करके तो ऑन करना। तो दोस्तों तकरीबन जितने भी एसी हैं, इन्वर्टर है या सादा एसी है या पुराने एसी हैं, सभी का तरीका कार वैक्यूम का यही है। गैस को कोई भी मॉडल हो, हीट एंड कूल वाला हो। दोस्तों ये देखिए मैं गैस इसको दे रहा हूँ, एसी हमारा बंद हो चुका है। हाथ आपने तब तक नहीं हटाना पाइप से जब तक आपके गेज पे ज़ीरो ना आ जाए। तो दोस्तों अब ज़ीरो आ गया है, अब मैं इस पाइप को जो है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें, जिसको मतलब इस बारे में जिसको नहीं इलम वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों वैक्यूम के बाद आपने वॉल्स को जो है वो अच्छी तरह जो है टाइट कर लेना है, ताकि यहाँ पे लीकेज ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।